बोलिए परम पूज बाबा साहब की। तो हम बता रहे थे, ध्यान दें आप सभी लोग, कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए तीन मूल मंत्रों को बतलाया है। हमारे भैया लोग ध्यान दें, दादा लोग, बाबा साहब ने जो पहला मूल मंत्र बतलाया है वो है शिक्षित बनो, शिक्षा की ओर बढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर ने जो पहला मूल मंत्र बतलाया है वो क्या है? शिक्षित बनो, शिक्षा की ओर बढ़ो। प्रिय बंधुओं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और ज्योतिबा राव फुले जी ने भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन दहाड़ेगा वही, गुर्राएगा वही जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा। इसलिए मेरे भैया लोगों से, दादा लोगों से, चाचा लोगों से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, शिक्षा की ओर बढ़ो, शिक्षित बनो और दूसरों को भी शिक्षित करो, इस बात पर आप लोग ध्यान दें। जैसा कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, उसको हम कुरीति ही कह सकते हैं, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है और वो है नशा। क्या है? नशा। देखो, ये सबसे बड़ी कुरीति है मेरे भाइयों, नशा। हमारे समाज को अगर कुछ खोखला कर रहा है तो वो है नशा। हमारा समाज अगर गरीबी की ओर जा रहा है तो उसका पहला कारण हम यही हो कहेंगे, पहला कारण है नशा। प्रिय बंधुओं, ध्यान देना है, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने पांचवें सील में बतलाया है कि शूरा बेरे मच पमाद अठाना बेर मड़ी शिक्षा पदन समा दिया। बुद्ध जी का पांचवा सील है कि हम चुमा और नशा से दूर रहेंगे, हम जुमा और नशा से दूर रहेंगे, भगवान बुद्ध का ये पांचवा सील बतलाता है। लेकिन होता क्या है भैया, क्षेत्र में जगह जगह पर बौद्ध कथाएं होती हैं और बड़ी दूर दूर से हमारे भैया लोग सुनने जाते हैं। कथाएं रोज सुनेंगे, दूर दूर तक कथाओं को सुनने के लिए जाएंगे, नमो बुद्धाय भी करेंगे, जय भीम करेंगे, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती आएगी, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन नशा नहीं छोड़ेंगे, नशा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या फायदा है भैया, मत जाओ बुद्ध कथा सुनने, आप जय भीम करना बंद कर दो, आप नमो बुद्धाय करना बंद कर दो, आप अगर आप दारू गांजा बीड़ी पुड़िया पान सिगरेट आदि ऐसे जो हानिकारक पदार्थ हैं, अगर आप इनका सेवन करना बंद नहीं कर सकते तो फिर आप नमो बुद्धाय जय भीम करना ही बंद कर दीजिए। मेरे बंधुओं, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सबसे पहले बौद्ध बनो, सबसे पहले बौद्ध बनो और फिर बौद्ध दिखो और फिर बौद्ध लिखो। अब सबसे पहले आपको बौद्ध बनना है, कैसे बौद्ध बनना है भाई? जितने आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, ढोंग है, पाखंड है और जो भी नशा आपके पास है, इसको छोड़ो। जब आप इसको छोड़ोगे भाई तभी आप बौद्ध दिखोगे। अब मुंह में आप रखे हो पुड़िया, खाए हो पान, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, भैया जय भीम, कोई सामने आ गया भैया जय भीम, अरे उस मुंह से जय भीम मत निकालो, उस मुख से नमो बुद्धाय मत कहो जिस मुख में आप पुड़िया पान तमाकू और बीड़ी सिगरेट दारू आदि ऐसी चीजों का सेवन करते हो।
क्योंकि हमारे ये वो महापुरुष हैं जो दारू गांजा भांग धतूरा से खुश नहीं होते, बल्कि इन्होंने इससे विरत रहने की शिक्षा दी, इससे दूर रहने की शिक्षा दी है। और अगर आप ऐसा कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों भैया पैसा खर्च कराते, क्यों आप पैसा खर्च करते हैं, क्यों आप दूर दूर तक बुद्ध कथाएं सुनने जाते हैं। इसलिए मेरा पहला निवेदन यही है अपने भाइयों से कि अगर आप जरा भी आपके मन में यह है कि नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया है, अगर आप जरा सा भी समझते हो कि नहीं बाबा साहब की मेहरबानी है, बाबा साहब का त्याग है, बाबा साहब का संघर्ष है जो आज हमको इज्जत और सम्मान की जिंदगी मिली है, तो मेरे भाई नशा छोड़ दो, नशीले पदार्थों का त्याग करो। यह जो जुआ और नशा है यह आपको पतन की ओर लेकर के जाएगा। जिन घरों में नशीले पदार्थों का सेवन होता है वो लोग ये कभी ना सोचे कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे। जो हमारे भैया लोग दारू पुड़िया पान बीड़ी सिगरेट आदि ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो वो ये ना सोचे कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक रास्ता बना रहे हैं और कभी ना कभी आपके बच्चे उस रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे रोज आपको देखते हैं वैसा करते हुए, तो कभी ना कभी आपके बच्चे उस रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए मेरे भाई आप तथागत बुद्ध जी के पांचवें सील को अपने जीवन में उतारिए और नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद करिए। बोलिए तथागत बुद्ध की। क्या होता है, हम देखते हैं मेरे भैया बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, अगर उनसे पूछो कि भैया अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजते हो, तो जवाब मिलता है पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट गई, पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट गई। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि पैसा नहीं है तो मेरी बीड़ी छूट गई, ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण मेरी दारू छूट गई, ये कोई नहीं कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण पुड़िया पान तंबाकू छूट गया, ना कोई नहीं कहेगा। घर में चाहे एक दिन के लिए खाने को ना हो, बीड़ी पुड़िया पान तंबाकू दारू इन चीजों की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। तो मेरे बंधुओं, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, तो बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की भी मानिए, भगवान बुद्ध को मानने के साथ साथ उनकी बात को भी मानिए। अगर आप सिर्फ उन्हीं को मानते रहे, उनकी बात को नहीं माना, तो कोई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ। अम्मा बहनों ध्यान दो, भगवान बुद्ध ने कहा है मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं एक मार्गदाता हूँ। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो कल्याण तुम्हारा होगा, और अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, मेरी पूजा करते रह जाओगे, तो कुछ नहीं समझ पाओगे। इसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि मैं तुमको पत्थर की मूर्ति में नहीं मिलूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुमको पत्थर की मूर्ति में नहीं मिलूंगा, मैं तुमको किताबों में मिलूंगा। अगर मेरी पत्थर की मूर्ति बना करके पूजते रहे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर मुझे पढ़ोगे तो जानोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो इसलिए हमारे ऐसे महापुरुष हैं, इनको जानने के साथ साथ इनकी विचारधारा को भी जीवन में उतारने की जरूरत है। बोलिए तथागत बुद्ध की। तो इस बात पर ध्यान दें, ये जो बात कही गई नशीले पदार्थों की, तो जहां तक मेरे भाई अगर आप अपना सुखदायी जीवन चाहते हैं और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो नशीले पदार्थों का त्याग कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें, तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, खुद खुराफातों से दूर रहें, तब आप अपने बच्चों को भी अच्छे रास्ते पर चला सकते हैं। अगर खुद आप गलत कर रहे हो, खुद आप दारू पी रहे हो, खुद आप पुड़िया खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो भाई बच्चे से कहो भैया ऐसा ना करो, तो भाई बच्चा मानेगा आपकी बात? बिल्कुल नहीं मानेगा कि पापा तुम खुद ही ऐसा कर रहे हो, हमको काहे मना करते हो। बिल्कुल आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरे भैया आप इन चीजों का त्याग करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा।